हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम जैक एंड एनिमल ब्लॉग है। और आज के ब्लॉग में हम आप सभी के लिए लाए हैं एक मज़ेदार ब्लॉग है। इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे कि हमारे यहाँ पे रूम पे हम बना रहे हैं बेसन की कड़ी, और बेसन की कड़ी कैसे बनती है उसका पूरा प्रोसीजर आपको बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे वीडियोज़ को लाइक करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, और आप देख सकते हैं यहाँ कड़ाके की धूप बहुत जोरदार है। और यहाँ पे हमने डाल दिया सबसे पहले बेसन, और इसके साथ ही हमने थोड़े से प्याज और थोड़ी सी मिर्ची, तो ये हमको डालने हैं और बाकी प्रोसेस आपको बताएंगे वीडियो में आगे। हाँ भाई, डाल थोड़ा सा उसमें। हमारे पास में ये छाछ है, छाछ डालना थोड़ा, इमदाद लाल मिर्च, पहले मिर्ची डालो। तो हम डाल रहे हैं राजस्थानी स्टाइल में थोड़ा सा लाल मिर्ची कम। डाल दे, ये लाल मिर्च डाल दी हमने। और हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें अजवाइन ताकि हमको गैस ना करे, और डालने का थोड़ा सा जीरा, हाँ थोड़ा सा हल्दी। ये हमने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। तो ये सब इंग्रेडिएंट डालने के बाद हम इसमें डालेंगे छाछ है, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट आपके पास छाछ नहीं हो तो दही से भी आप घोल कर सकते हैं। बस अब इसको हम थोड़ा सा टाइट टाइट घोल देते हैं, और हम अपने हाथों से काम करते हैं। और आप चाहें तो आप, आपके पास जो भी अवेलेबल हो उससे आप कर सकते हैं इसे गोल, गांठे नहीं रहनी बस इस गोल में, और कुछ नहीं। बाकी तो ये बहुत आसान है कड़ी बनाना, और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। रगड़, हाथ को नीचे रगड़, पिंदा के महीने तो इसको पिंदे के अंदर हाथ थोड़ा सा रगड़ना होता ताकि इसकी जो गांठे होती है वो ख़त्म हो जाए। डाल छाछ अब। हम इसमें छाछ डालते हैं। डाल दे, डाल और, हाँ बस अब गोल कर इसको अच्छे से। तब हम इसका गोल कर लिए हैं, मतलब नीचे कुछ भी बेसन नहीं रहना। तो सबसे पहले तेल डालना, और बस ये हो गया, हमने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद हमारे पास में है ये जो कड़ी पत्ता है, हम भी ये भी डालेंगे। थोड़ा सा गर्म होने दे तेल को, बाकी सब पूरी खत्म हो गई। तो हमने इसमें मस्टर्ड सीड यानी कि अब नाक दाना में दी थोड़ी ना दे। अब हमने इसमें दाना मेथी डाल दी है, और अब डाल कड़ी पत्ता। ये तो ढीले रहे एकदम, रवि कदम करे। कड़ी पत्ता डाल दिया है, और मिर्ची डाल दी है, थोड़ी देर पकने के बाद हम इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा हल्दी। और हल्दी डालने के बाद बस, थोड़ा सा हल्दी डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम पानी। थोड़ा सा पानी डाल दिया बस, अब इस पानी को उबाल लेंगे। थोड़ा सा उबाल आने के बाद हम अपना गोल डाल देंगे बेसन का, और साथ ही हम ऐड कर रहे हैं इसमें नमक।
तो अब हम डाल दें इसमें गोल हमारा बेसन का। अब हमको इसको धीरे धीरे चलाना है जब तक कि इसमें अच्छे से उबाल ना जाए। इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना जाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हल्का सा तो इसमें फोम आने लग गया है, यानी कि झाग आने लगे हैं। और अब इस प्रोसेस में हमारी जो कड़ी है वो उबलने की तैयारी में है। और आप लोगों को ये कड़ी का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग लेके आते रहेंगे। तो ये पूरी कड़ी होती है, हम आपको पूरे तो पूरी कड़ी का जो उबाल आने के बाद में फाइनल रेडी होने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि हमने कड़ी कैसे बनाई और इसका टेस्ट कैसा है। तो बने रहें हमारे साथ, ऐसे आपके लिए मज़ेदार ब्लॉग आते रहेंगे। तो मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग में। जय हिंद।